पीछे बाबा का मंदिर है। सावन का पहला सोमवार है आज, तो आप लोगों को मैं नीलकंठ बाबा के दर्शन कराने लेके चलने वाला हूँ। ये मैं आप लोगों को पूरे 25 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चल के दिखाऊंगा। पहले हम गंगा जी के दर्शन करेंगे, फिर पैदल मार्ग 1 किलोमीटर बचा है यहाँ से, आगे आकर आप यहाँ से गाड़ी से भी जा सकते हैं। वो छोटे छोटे घर आपको दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहे हैं, वो ऋषिकेश है भाई। अच्छे से हो गए दर्शन? चलो भाई, जय बाबा की। काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आप सबको लेके चलने वाला हूँ नीलकंठ बाबा के दर्शन कराने। गाइस, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप सबको दिखाया था मैं नीलकंठ जा रहा था, लेकिन ऋषिकेश में काफी ज्यादा बारिश के कारण मैं आप लोगों को नहीं ले जा पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज मौसम साफ है, इसी के साथ सावन का पहला सोमवार है आज, तो आप लोगों को मैं नीलकंठ बाबा के दर्शन कराने लेके चलने वाला हूँ। गाइज, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोग नीलकंठ बाबा जाने की सोच रहे हैं वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को पूरा मार्ग जान लें, पूरे मार्ग की जानकारी हो जाए, क्योंकि मार्ग बहुत ही ज़्यादा खतरे वाला है। पूरे पहाड़ों के बीच से रास्ता गई हुई है, जंगली जानवर काफ़ी पाए जाते हैं यहाँ पर। तो गाइज़, मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, मैं आप लोगों को पूरे 25 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चल के दिखाऊंगा कि कहाँ से कैसे जाते हैं। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, मेरी वीडियो में ऐसे ही लास्ट तक बने रहिए। जय बाबा। गाइज़, आप लोग देख सकते हैं हम नीलकंठ बाबा चढ़ाई के लिए निकल चुके हैं। 4 बज रहा है अभी, रास्ते में हम लोग अपने रूम से निकल चुके हैं। अभी पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से राम जानकी झूला, फिर राम जानकी झूले से पूरा मार्ग हम लोग तय करेंगे। राम जानकी झूला से एकदम वहीं से रास्ता गया हुआ है नीलकंठ बाबा के लिए चढ़ाई के लिए। 25 किलोमीटर की चढ़ाई है, आप लोगों को दिखाएंगे पूरा पैदल चल के। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बाबा के दर्शन आप लोगों को ज़रूर करवाऊँगा मैं। तो चलिए, मिलते हैं आगे। राम झूला आ चुके हैं, ये देख रहे हैं राम झूला है ये। अब हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे, राम झूले को पहले हम लोग क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद राम जानकी झूला पड़ेगा, तब राम जानकी झूले से फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, नीलकंठ बाबा की चढ़ाई स्टार्ट होगी। तो चलिए, चलते हैं आगे। पहले हम गंगा जी के दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। तो आप लोग भी गंगा जी के दर्शन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप ये पीछे देख सकते हैं, ये राम जानकी झूला है, इधर से हम लोगों को इधर जाना है सीधा, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रास्ता आया हुआ है, अब इधर से हम लोगों को सीधा ये रास्ता है, ये हम लोग चलेंगे यहाँ से। ये रास्ता सिलीगुड़ी गई हुई है, पैदल यात्रा है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए हमारी। राम जानकी झूले से एकदम सीधी रास्ता गई हुई है, वहाँ पे बोर्ड लगा है, आप लोग बोर्ड चेक करके आ सकते हैं। फिर आगे चल के आपको यहाँ पर ये देखेगा नीलकंठ, पैदल मार्ग 1 किलोमीटर बचा है यहाँ से, आगे आकर आप यहाँ से गाड़ी से भी जा सकते हैं, और जो लोग पैदल जाएँ तो यहाँ से सीधा जाएं आगे, आपको पैदल मार्ग रास्ता मिल जाएगा। मेरी वीडियो में बने रहिए, आपको लेके चलता हूँ। इसी रोड पर सीधा आपको चलना है तो आगे आपको लेफ्ट हैंड पे टर्न मिलेगा। अभी मैं आपको पूरा व्यू चेक करवाता हूँ। तो आप ये देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है नीलकंठ पैदल मार्ग, उल्टे हाथ पे रास्ता है। आगे आकर हमको ये यहाँ पर टर्न मिला हुआ है, ये आप ऊपर बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ से नीलकंठ बाबा के लिए ये रास्ता जाती है, सीधी ये चलाई जाती है। याली रोड जिससे आए थे हम लोग, वो ये सीधी निकल गई आगे, इस पर नहीं जाना है आपको। यहाँ पे ऊपर बोर्ड लगा है, आप लोग बोर्ड चेक करते जाइएगा। जो लोग भी आए गाइस, बोर्ड चेक करते हुए आए, बिल्कुल मत भटकें रास्ता। और जो लोग जा रहे हैं वो किसी ना किसी के साथ रहें, अकेले मत जाएं। तो 2-4 लोग हमेशा साथ रहें आपके, तो ऐसे जाइए क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा रह सकता है। तो चलिए, आप लोगों को पूरा व्यू चेक करवाते हैं, इस रास्ते पर हम लोगों को चलना है। पीछे देख सकते हैं आप, बजरंगबली बाबा हैं। कुछ दूर चलते ही हमको बजरंगबली बाबा के दर्शन हुए, तो आप लोग भी दर्शन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से। जय बाबा की।
चलिए आगे चलते हैं। तो भाई ऊपर से आ रहे हो? बाबा के दर्शन हो गए? तो हम लोगों को एक भाई मिले, तो जो ये लाइट वाले हैं वो थे, मुझे लगा ऊपर से आ रहे होंगे बाबा के दर्शन करके। चलिए हम लोग चलते हैं, वीडियो में हमारी बने रहिए, आप लोगों को लेके चलते हैं पूरा ऊपर तक। सब लोग यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप पीछे अंकल लोग आंटी लोग। अरे भाई ऊपर तक आपको लेके चलेंगे। आप लोग जब ऊपर चलते आएंगे, कुछ दूर चलकर आएंगे, तो यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें पड़ती हैं, जिसको भी पानी यानी पीना हो यहाँ पर पूरी व्यवस्था रहती है बैठने की। आप लोग यहाँ पर पानी यानी पी सकते हैं, बैठकर आराम से आराम कर सकते हैं, कुछ देर आराम कर लीजिए फिर चलेंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो कृपया आप लोग संभल कर चलें। अभी तो यहाँ पर कल बारिश हुई थी, तो उस वजह से हल्की फुल्की फिसलन है, आज बारिश नहीं हुई है तो मौसम साफ़ है, तो ज़्यादा अच्छा हुआ है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा फिसलन रहती है यहाँ पर। गाइस ऊपर आने पर ये व्यू है, आप देख सकते हैं वो पीछे, वो है ऋषिकेश, जो आप ये पीछे देख सकते हैं पूरा, वो छोटे छोटे घर आपको दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहे हैं, वो ऋषिकेश है। हम इतने ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से देखिए आप, अभी हम लोगों को यहाँ सीधा ऊपर जाना है। अभी आप यहाँ से पूरा व्यू चेक कर सकते हैं पहाड़ों के ऊपर से, ये ऋषिकेश एकदम छोटा छोटा दिखता है, आप देख सकते हैं घर कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, कि हम आधी दूर आए हैं वहाँ से, ये व्यू है। अभी और आगे चलते हैं, दिखाएंगे आपको। करके आ रहे हो आप लोग, देख सकते हैं ये भाई लोग ऊपर से दर्शन करके आ रहे हैं बाबा के। भाई अच्छे से हो गए दर्शन? चलो भाई जय बाबा की। गाइस बारिश के कारण पहाड़ से कुछ पत्थर गिरकर एक मार्ग बंद हो गया था, तो हमको पहाड़ के बीच से निकलकर जाना पड़ा। आप ये देख सकते हैं पहाड़ के बीच से, ये ऊपर रोड है, ये ऊपर वाली रोड बंद थी। गाइस काफी ऊपर आ चुके हैं, ये भाई लोग दर्शन करके आ चुके हैं ऊपर से, पूछते हैं भाई लोगों से। और तो भाई लोग कितना ऊपर बचा है अभी? और बहुत ऊपर है, तो भाई अभी 5 किलोमीटर बचा है ऊपर, चलिए चलते रहते हैं सही वीडियो में लास्ट तक। जय, चलो भाई चलते हैं, जय बाबा की। भाई जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। भाई हम लोग काफी ज्यादा थक चुके थे, अब उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर इस रास्ते पर वापस ऊपर चलेंगे हम लोग। चलिए कुछ देर आराम करते हैं 5-10 मिनट, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको वीडियो में। हमारी वीडियो में बने रहिए। जय बाबा की। भाई लोग दर्शन करके आ रहे हैं, भाई दर्शन करके आ रहे हो आप लोग? जय बाबा की, जय बाबा की। तो आप लोग देख सकते हैं लोग दर्शन कर कर आ रहे हैं, हम लोग भी अभी चलेंगे, कुछ देर आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं ऊपर। तो गाइज हमने कुछ देर आराम किया, फिर उसके बाद हम लोग फिर से चल दिए नीलकंठ बाबा चढ़ाई के लिए। और गाइज आप लोगों से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी आप लोगों को यहाँ पर जानवर वगैरह मिलते हैं, जैसे बंदर वगैरह हो गए ये सब, तो आप लोग इनको, आपके पास जो भी हो, बिस्कुट चना जो भी हो, और बल्कि यहाँ पर रास्ते में मिलता रहता है हर चीज़, तो आप लोग इनको ज़रूर खिलाएँ, क्योंकि इन लोगों का खाने का साधन नहीं होता है। तो आपके पास जो भी हो इन लोगों को रास्ते में खिलाते चलें, इन लोगों का इसी से पेट भरता है। तो आगे चलते हैं फिर हम लोग। भाई लोग ये ऊपर से आ रहे हैं दर्शन करके, बाबा के दर्शन कराए आप लोग? और भाई कितनी दूर बचा ऊपर? 7 किलोमीटर। तो जैसा कि भाई लोगों ने बताया, अभी 5-7 किलोमीटर और बचा है, करीबन 6-6.5 किलोमीटर तो होगा ही। तो चलिए बने रहिए आप लोग वीडियो में, दर्शन कर ऊपर से बाबा के, देख सकते हैं आप लोग। भाई लोग आप लोग दर्शन करके आ रहे हैं ऊपर? जय बाबा की। चलिए हम लोग भी चलते हैं। जय बाबा की। भाई लोग दर्शन हो गए बाबा के? भाई तो आप लोग ने देखा, भाई लोग दर्शन करके आ रहे हैं। और भाई ऊपर कितना ऊपर बचा है? बस थोड़ी ऊपर है। जय बोलेगी, जय बोलेगी। तो आप लोगों ने देखा, बस 3 किलोमीटर और बचा होगा यहाँ से। तो गाइस काफ़ी देर बाद हम लोग को नीलकंठ बाबा का मंदिर दिख चुका है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये जो सामने गुलाबी कलर का है यही नीलकंठ बाबा का मंदिर है, यहीं पर नीलकंठ बाबा विराजमान है। गाइस
हम नीलकंठ बाबा के बहुत करीब आ चुके हैं। ये पूरी चढ़ाई थी जो हम लोग ऊपर से चढ़ के आ रहे थे, अब केवल नीचे की केवल रास्ता बची हुई है। नीचे की पूरी ढाल है, यहाँ से जाके सीधा वो पीछे बाबा का मंदिर है। तो चलिए लेके चलते हैं आप सबको, वीडियो में हमारी बने रहिए, बस कुछ देर और हम पहुँचने वाले हैं। बस कुछ देर और हमको नीलकंठ बाबा के दर्शन मिल जाएंगे और मैं आप लोगों को भी कराऊंगा वीडियो में हमारी, लास्ट तक बने रहें, वीडियो को जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें, नीलकंठ बाबा के दर्शन होने वाले हैं। जय। तो चलिए आगे आप लोगों को लेके चलते हैं, बाबा के दर्शन कराते हैं। वीडियो जय, वीडियो में हमारी लगातार बने रहिए। तो गाइस हम लोग नीलकंठ बाबा के मंदिर में पहुंच चुके हैं। हम लोग यहाँ पहुंचने के बाद हम लोग यहाँ स्नान करेंगे। मैंने यहाँ स्नान किया, फिर उसके बाद नीलकंठ बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग स्नान करेंगे। आप लोग भी यहाँ जरूर स्नान करें। गाइस हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं, हम लोगों ने गाइस प्रसाद ले लिया है, तो अब चलते हैं भोले बाबा पे प्रसाद और गंगा जल चढ़ाते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। चलिए। तो गाइस काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही लंबी लाइन है, आगे पीछे तक आपको भक्त ही भक्त मिलेंगे। मंदिर के अंदर घुस चुके हैं, ये देखिए पीछे ये मंदिर है, यहाँ पे आगे से जाएंगे हम लोग इधर से पूरा। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा व्यू, दर्शन करिए बाबा के, बहुत हटेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा उसे भी, बदले यहाँ वीडियो बनाना फोटो खींचना मना है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो गाइस हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं, बस कुछ ही देर में नीलकंठ बाबा के दर्शन होने वाले हैं हम लोगों को। बाबा के दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर आए तो कुछ इस तरह का व्यू दिखा हमको, आप लोग देख सकते हैं। हम ऋषिकेश नीचे पहुंच चुके हैं, अब आप देख सकते हैं बाबा के दर्शन करने के बाद हम ऋषिकेश आए, गंगा मैया के दर्शन करिए आप लोग। और गाइस जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को बिना सब्सक्राइब करें कोई नहीं जाएगा यहाँ से, जल्दी से सब्सक्राइब करो। आप लोगों ने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो लोग नीलकंठ बाबा जाने की सोच रहे हैं उनको ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करें, ताकि मार्ग में उनको कोई परेशानी ना हो, मार्ग की जानकारी हो जाए। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप सेफ रहिए, दूसरों को सेफ रखिए, जय बाबा की।